माना कि मैं थोड़ा अच्छा गाता हूँ लेकिन मेरा गाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, बस खाने का मूड है। लेकिन गाना अब क्या करें, सीरियल का नाम गाने से है और कहानी खाने की है, तो गाना भी गाना पड़ेगा और खाने की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम आपको लिए जा रहे हैं लंच ब्रेक पर। कहाँ पता है, आपकी नज़रों ने समझा सीरियल के कलाकारों के साथ लंच ब्रेक। अरे भाई, उनका सीरियल ऑन एयर होने वाला है मंगलवार से। सास बहू और साजिश है, ये हम हैं, ये हमारा खाना है और यहाँ पे लंच पार्टी हो रही है। आज दर्श और नंदनी साथ मिलकर लंच करेंगे और एक दूसरे के परिवार को जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, आपकी नजरों ने समझा स्टार प्लस पर जल्द ही नजर आएगा अपने दर्शकों को एंटरटेन करते हुए। लेकिन दर्शकों को एंटरटेन करने से पहले दर्श और नंदिनी ने हमें बताया है कि सेट पर शूटिंग का माहौल कैसा होता है और कैसी बॉन्डिंग है इन सब एक्टर्स के बीच। लंच में बहुत सारी वैरायटी है, वहाँ से शुरू करके बताओ एक एक चीज। मेरा स्प्राउट्स डब्बा है, यहाँ पे खीर है, ये दाल है, ये आई थिंक चिकन है, दैट इज चना मसाला, दैट इज गोभी, चिली, चिली गोभी, फ्राइड गोभी, चिली गोभी, सैलेड, पनीर, घर का खाना, रोटियां, केक वगैरह बहुत कुछ है। भैया वो फूले देना जरा, वो फूले पकड़ाना। दिस इज स्पेशली फॉर मी। ये मटर पनीर है और रायता है, चावल है, रोटी है, बहुत सिंपल खाना है, वो लेकर आया हूँ। लेकिन आज हम सब साथ में बैठ के खा रहे हैं और सब शेयर करेंगे, जितना जितना सबके हाथ लगा खा लेंगे। बट मेरे को वो दे दो जो उंगली में डाल के वो खाते हैं ना फुल्ले। फ्राइम्स यू मीन? ओए ओए ओए, बचपना यहाँ पर किसी का नहीं गया है, आई थिंक सभी वैसे हैं और वो बहुत जरूरी है। बचपना गया है, देखो अब है आप नहीं। हमारे सेट पे जो अन्नपूर्णा है वो मेरी बा है, वो घर से थेपला लेके आती है, गोभी के पराठे लेके आई थी उस दिन। क्या लेके आई थी आप? मेथी के पराठे। मेथी के पराठे लेके आई थी, तो हमारे लिए अन्नपूर्णा हमारी बा है। उस दिन ये पालक पनीर लेके आई थी, लेकिन वो बहुत यम्मी था और बहुत अलग तरीके का था। करेक्ट, वो हमारी अन्नपूर्णा है और वो हमें खाना देती है हर रोज। हमारी जो नंदिनी जी है वो खाना तो लाती है पर खुद खा जाती है, तो देख सकते हैं आप वो कितनी दस्त पुष्ट है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैं अपने तरह का खाना बनाती हूँ जो मैं ही खा सकती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा नहीं होता है। कि आज पहली बार है जब हम सब साथ में शूट कर रहे हैं, बिकॉज हमारा घर अलग शूट कर रहा होता है, इनका घर अलग, आज पहली बार मौका मिला है। विजेंद्र भाई और मैंने पहले भी एक बार इस बारे में बात की थी कि जब हम सब लोग साथ में शूट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पहले अलग अलग कर रहे थे, तो अभी जब सब लोग साथ में शुरू कर देंगे तो सब लंच करेंगे या डिनर करेंगे, सब लोग साथ में मील खाएंगे, तो उससे क्या सेट पे अच्छा माहौल रहता है, पॉजिटिव वाइब्स रहती है, हम सब एक दूसरे को अच्छी तरह जान सकते हैं और यू नो वो सारी बॉन्डिंग हमारे सीन्स में दिखती है। तो आई थिंक ये अब से रूल है हमारा कि हम जब भी सब लोग सेट पे होंगे तो सब साथ में मिलके खाना खाएंगे। और मैं थोड़ा घर से कम लाता हूँ तो मेरे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आया। जो भी लाना प्यार से लाना, मतलब राइट, जो भी लाना प्यार से लाना, उसमें कुछ मिलाना मत, क्योंकि मैं बहुत बारी मर जाता हूँ शो में, तो अब मत मारना। बहुत बारी मर जाता हूँ शो में, मतलब आई थिंक इसका पास थोड़ा ऐसा रहा है, बट आई एम श्योर ऐसा कुछ नहीं होगा, हम बहुत ख्याल रखेंगे तुम्हारा हम सब मिलके। yes, बिल्कुल।
कुछ पीस थे यहाँ और इनका कहना है कि पहले मेरी फैमिली खाएगी फिर हम खाएंगे, लेकिन हमारा जो छोटा है वो बहुत तेज है तो हम लोग खा चुके हैं, अब जो बचा है तुम लोग खा सकते हो। तो एक्चुअली ऐसा ही है। सो हैव फन विद द लेफ्टओवर्स। नो, तो एक्चुअली बात ऐसी है कि इवन शो में मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी एक बिग बहन है, फैमिली भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, पैसा थोड़ा बहुत है हाँ, बट अगेन तो अभी ये थोड़ा सा केक था जो मैं अपने लिए और अपनी बिग बहन के लिए लाई थी, और वो भी देखो सबने खा लिया, इसको जरूरत ही नहीं है, मेरे को मेंटेन करना पड़ेगा। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज 6 बजे सब देखेंगे इस शो को, प्रोमो सबको पसंद आए हैं, तो आई होप कि सबको शो भी अच्छा लगे। तो ये जो इस साइड देख रहे हैं आप, ये इनकी फैमिली, मैं बता रहा हूँ हमारी बेस्ट फैमिली है, हमको दूसरे के बारे में नहीं पता, हमारी बेस्ट है। हाँ, अच्छे हाँ, ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, ये सब बहुत अच्छे हैं, और हम उनसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। ये हमारी फैमिली है और ये गुण है, अब इसका हम सस्पेंस रखना चाहते हैं कि इसके क्या गुण है, जिसमें कोई गुण ही नहीं है वो गुण है। देखा आपने सेट पर कितनी मस्ती और धमाल होती है, और ये सब कितने बेताब है ऑन स्क्रीन भी अपने दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए। तो मंगलवार को जरूर देखकर बताइएगा कि आपको दर्श और नंदिनी की पहली झलक कैसी लगी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।